हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम टॉप 5 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपकी 100% जॉब गारंटी है। एंड गाइस, आज के वीडियो में जो भी हम डिप्लोमा डिस्कस करेंगे उन डिप्लोमा कोर्सेज को कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि 12th पास आउट स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपने 12th पास किया है तो आप इन डिप्लोमा कोर्सेज को कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो पाँचों डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन इज डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। सो डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग 3 से 6 महीने का कोर्स है और ये काफ़ी शॉर्ट टर्म कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग अभी काफ़ी क्रेज़ में है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है और आने वाले समय में इसकी काफ़ी डिमांड होने वाली है। तो बेसिकली डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग में आप बेसिक्स जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हो, जो भी बेसिक्स है वो सीखते हो, साथ ही साथ वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर प्लानिंग सीखते हो एंड फेसबुक एड कैंपेन्स, यूट्यूब मार्केटिंग, SEO एक्सपर्ट जो भी होते, SEO जो भी वेबसाइट्स की जो SEO की जाती है वो सारी चीज़ें सीखते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में सीखने के लिए। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब जो भी मार्केटिंग हो रही है वो डिजिटली हो रही है। तो पुराने समय में यानी कि ट्रेडिशनली जो भी मार्केटिंग होती थी, एडवर्टाइजमेंट्स होती थी, वो सब पेपर बेस्ड होता था, लेकिन अब सब डिजिटली हो चुका है एंड धीरे धीरे जितनी भी छोटी बड़ी कंपनीज है या छोटे बड़े जो भी बिजनेस है वो सब अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूव कर रही है। तो उन्हें भी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स है वाइड रेंज में, लाइक कंटेंट राइटर, वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर। तो बेसिकली बहुत सारे सोशल मीडिया होती है, उसे मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंट्रेस्ट, ठीक है, लिंक्डइन, तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया को अगर आप मैनेज करना आपको आता है, ठीक है, तो ग्रो करना आता है तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, SEO एक्सपर्ट हो सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं, तो इसमें आपकी सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी होती है। सोशल जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 5 से 6 लाख का पैकेज होता है और जैसे ही आप एक्सपीरियंस होते जाते हो तो आपको 15 से 25 लाख तक की सैलरी हो सकती है। नंबर 2 इज डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन। तो डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन 1 से 2 साल का कोर्स है और अगर इसकी फ़ी की हम बात करें तो बेसिकली 18-20 हज़ार से स्टार्टिंग फ़ी है एंड इसकी 2 लाख तक की फ़ी लग सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो या 2 साल का कोर्स कर रहे हो। तो बेसिकली 1 साल का कोर्स वो लोग करना चाहते हैं जो इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड दो साल का कोर्स वो लोग करते हैं बेसिकली जिन्हें इस फील्ड में डीप नॉलेज चाहिए पर वो डिग्री कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, वो डिग्री कोर्स या 3 साल का कोर्स नहीं करना चाहते, तो वो 2 साल का कोर्स भी कर सकते हैं। ये फील्ड काफ़ी ग्रूमिंग फील्ड है गाइस। इस फील्ड में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले इस फील्ड में आप क्या पढ़ते हो, इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हो, बेसिकली जो इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें होती है वो आप कवर करते हो। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लाइक आपको ड्राफ्टिंग, स्केचिंग, रेंडरिंग, प्रेजेंटेशन जैसी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ इंटीरियर डिज़ाइन में जो भी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक फर्नीचर, लाइटिंग्स, फर्निशिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती है एंड गाइस, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। जितना आप मार्केट अपना बनाओगे, जितना आप कॉन्टैक्ट बनाओगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। अगर हम जॉब की बात करें गाइस, तो बेसिकली आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो। तो जितने भी आपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह देखा होगा, तो इसका जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। इसके अलावा आप वेडिंग डेकोरेटर बन सकते हो। तो बेसिकली जो भी वेडिंग लोकेशंस होती है उसे आप क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से आप उसे स्ट्रक्चर करते हो, प्लानिंग करते हो और उसे डेकोरेट करते हो, ठीक है। इसके अलावा है सेटअप डिज़ाइनर। तो बेसिकली जो भी परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशन से रिलेटेड सेटअप्स होती है उसका आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है। तो जैसे फिल्म स्टूडियो हो गया, थिएटर, ऑडिटोरियम, तो जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड यानी कि जो भी फिल्म शूटिंग होती है उससे रिलेटेड जो भी सेटअप करनी होते हैं उसका डिज़ाइन आप करते हो, ठीक है। तो सेटअप डिज़ाइनर का भी बहुत रोल है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए भी। तो आप बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप कुछ ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर 3 है
डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट. तो बेसिकली अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो उसमें आपको सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करना आता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिसर्स, सुपरविजन. लेकिन अगर आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर आप स्टडी कर सकते हो. इसमें गाइस आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. आप रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में तो काम कर ही सकते हो, इसके अलावा आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम कर सकते हो, या फिर आप केटरिंग कंपनी, टूरिज्म ऑफिसर्स या फिर ट्रेवल एजेंसीज में काम कर सकते हो. गाइस जैसे ही आपका डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कंप्लीट होता है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी सैलरी अच्छी होती है, अदरवाइज स्टार्टिंग सैलरी आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है. इसके लिए आप इंडिया में आप एक दो साल काम कर सकते हो जस्ट कंप्लीट होने के बाद, या लास्ट ईयर से आप शुरू कर सकते हो. ठीक है, आप इंटर्नशिप कर सकते हो. लेकिन इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके आप एक दो साल वर्क करते हो किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में, तो वो एक्सपीरियंस आपको इंडिया में बहुत काम आता है और उस हिसाब से आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है. नंबर 4 है डिप्लोमा इन फोटोग्राफी. तो इस प्रोफेशन की कमर्शियल वैल्यू कुछ चीज़ों की वजह से काफ़ी बढ़ गई है, जैसे एडवर्टाइजिंग, नेटवर्क, मीडिया, फैशन. ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा इन फोटोग्राफी करना चाहते हो तो ये 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स है, तो आप एक साल में इस कोर्स को कर सकते हो. और इसके बाद आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बन सकते हो, या फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप डिजिटल मीडिया हाउसेज ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा आप फोटोग्राफर बन सकते हो सिंपली, या फिर आप फैशन फोटोग्राफर बन सकते हो, फोटोशॉप एडिटर बन सकते हो, या फिर आप इसके अलावा आप खुद का फोटोशॉप खोल सकते हो. ठीक है, मतलब फोटोग्राफर शॉप खोल सकते हो, तो इससे भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है. नंबर 5 है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो बेसिकली ये 6 से 12 महीने का कोर्स है, अराउंड 1 साल का कोर्स है, और इसकी जो फ़ी है मिनिमम 5,000 से स्टार्टिंग फ़ी है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक की आपकी फ़ी लग सकती है. तो बेसिकली डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास बहुत अलग अलग फील्ड्स होती है, तो जिसे आप अपने फील्ड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो. राइट, ओके. अब इसमें आप IT सिस्टम से भी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हो, डेटाबेस DBMS से भी कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप MS ऑफिस एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन से रिलेटेड आप स्टडी करते हो, और इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आपके पास बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, लाइक HTML, जावा, C++. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में. अब इसके बाद आपकी जो जॉब होती है वो अलग अलग कंपनीज में लग सकती है, लाइक आप अकाउंटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डेटाबेस जो हैंडलिंग होती है उससे ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा आप नेटवर्किंग एंड इंटरनेट वर्किंग फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली आप अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करना चाहते हो तो आपके 12th में कंप्यूटर है या नहीं है नो मैटर, आप इस कोर्स को कर सकते हो. एंड आपके पास एक बेसिक स्किल्स हो जाती है कंप्यूटर की, तो आप कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाते हो, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन कैंडिडेट की नीड है. गाइज, आज के समय में कंप्यूटर के बिना इस वर्ल्ड को इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए अगर आपके पास किसी भी सेक्टर में नॉलेज है, स्किल है, तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी. एंड ये सारे जो डिप्लोमा कोर्सेस है अभी काफ़ी डिमांड में है, और फ्यूचर में इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली, बढ़ने वाली ही है. सो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेस में से अगर आपको कोई भी डिप्लोमा कोर्स करने वाले हो आप, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए. और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.